पेशाब करने के समय गाढ़े रंग की पेशाब होना और उसके साथ धीरे निकलना, या शौच मतलब लैट्रिन करने के समय वीर्य बाहर निकलना, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्या है कि यूरिन जब पास करते, पेशाब जब करते हैं, तो वीर्य की जो नली है उसका जो वॉल है वो बंद हो जाता है, मतलब वहाँ से वीर्य का बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बंद कर देता है, कुदरती है वो। मतलब दो ऐसे, इधर से वीर्य आ रहा है, इधर से पेशाब आ रहे, बाद में नली एक ही है। अब जब वीर्य का जो है नली वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, वॉल रहता है वहाँ, तो पेशाब आना शुरू हो जाता है, और जब वीर्य बाहर निकलता है तो पेशाब का रास्ता बंद किया जाता है और वीर्य बाहर निकलता है। मतलब एक ही समय एक तो वीर्य बाहर निकलेगा या तो पेशाब बाहर निकलेगा, क्योंकि बाद में दोनों नलियाँ जब एक साथ आती है और जुड़ जाती है एक जगह, फिर रास्ता एक ही है। अब होता क्या है कि कभी कभी यह वॉल जो है ये लीक हो गए, एक कभी पेशाब का वॉल लीक हो गया, कभी वीर्य का जो ट्यूब है उसका वॉल लीक हो गया, तो दोनों एक दूसरे में मिक्स होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। और वो यदि मिक्स हो गए दोनों, तो फिर क्या हो जाएगा, पेशाब करने के समय उसमें वीर्य निकल गया तो नेचुरली पेशाब गाढ़ी आ जाएंगे, गाढ़ा पेशाब हो जाएगा, या पेशाब करने के समय ज़्यादा वीर्य निकलेगा तो ज़्यादा मतलब वीर्य पतला दिखेगा, दोनों भी हो सकता है। और ये होने से लोगों को लगता है कि मेरा वीर्य पेशाब के समय जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, ये बंद करना चाहिए। उसमें कुछ बंद करना नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। लैट्रिन करने के समय, शौच करने के समय क्या होता है कभी कभी कि जब ये हार्ड शौच होती है, लैट्रिन जब ये हार्ड होती है और लोग जब ज़ोर से लैट्रिन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़ोर से ताकत लगा के, तो क्या होता है, पेट के ऊपर दबाव आता है, सेमिनल वेसिकल्स के ऊपर दबाव आता है, अंदर जो पेल्विक मसल्स है उसके ऊपर दबाव आता है, और वो प्रेशर करती है वो ट्यूब्स को, सेमिनल वेसिकल्स को, प्रोस्टेट को, जिसके वजह से वहाँ जो जो स्राव है, जो वीर्य है एक अर्थ से, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है जोर से लैट्रिन किया तो वो लैट्रिन इधर हो रही है और इधर वीर्य भी बाहर निकल रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो दोनों समय वीर्य जाना कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जाने दो। कभी कभी क्या होता है कि यदि यूरिन का वॉल, यूरिन का ट्यूब है उसका वॉल यदि लीक है या यदि वो ढीला है, तो क्या होता है कि वीर्य निकलने के समय वीर्य बाहर निकलने के बदले वो यूरिन का मार्ग जो है उसमें से ऊपर चले जाता है। यानी अभी वीर्य कहाँ जाएगा, अभी वीर्य पेशाब के नली के माध्यम से पेशाब की थैली में चले गए, अब वहाँ जमा हो गया। अब क्या हो गया, पेशाब में जमा हो गया वीर्य, मिक्स हो गया, अब पेशाब हो गई गाढ़े रंग की। लोगों को लगता है कि देखो वीर्य जा रहा है, एक्चुअली वो पेशाब रहती है, थोड़ा सा वीर्य मिक्स हो जाता है। तो ऐसे दोनों भी ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ करना भी नहीं, कर भी सकते नहीं है। हाँ, एकदम ही पेशाब होने लगी जब आप सेक्स कर रहे हैं और पेशाब होने लगे तो प्रॉब्लम है, तो फिर उसका इलाज करना होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत लीकेजेस नॉर्मल है, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें चिंता भी करना नहीं है, और वो हमको बंद भी करने का नहीं है। ये लोगों को बहुत सताता है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मेरा वीर्य जा रहा है लोगों को लगता है। देखिए, जो इंडियन स्टाइल कमोड्स है उसमें क्या है कि वो ज़मीन पे बैठ के लोगों को करना पड़ता है लैट्रिन, या फिर जो लोग खेत में जाते हैं, ओपन में जाते हैं और वहाँ लैट्रिन करते हैं, मतलब शौच करते हैं, तो उनका ख्याल कहाँ रहता है, उनका ख्याल रहता है नीचे, और वो नीचे जब ख्याल रहता है तो वो देखते रहते हैं कि वहाँ से वीर्य कहाँ जा रहा है, वहाँ से कितना वीर्य जा रहा है, वो देखते रहते हैं, इसलिए उनको दिखाई देता है। इंडियन स्टाइल भी जो है वो बैठ के, नीचे बैठ के जब लैट्रिन करते हैं तभी नज़र कहाँ रहती है, नीचे रहती है, और वहाँ से आदमी देखता है कि वीर्य जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इंडियन स्टाइल जो कमोड से नीचे बैठ के करना पड़ता है वहाँ है, जब लोग नीचे देखते हैं। यदि वेस्टर्न स्टाइल के कमोड से, जहाँ उसके ऊपर जमीन के ऊपर है, वहाँ ऊपर बैठना है, नज़र आपके सामने है, तो नीचे अंदर क्या क्या जा रहा है ये आपको दिखाई देता नहीं है, तो लैट्रिन हो रही है, पेशाब हो रही है, वीर्य जा रहा है, कोई दिखाई देता नहीं है, तो इसमें कोई कंप्लेन करके आता ही नहीं है जब वेस्टर्न स्टाइल में है। ये इंडियन स्टाइल का प्रॉब्लम ज़्यादा है, वेस्टर्न स्टाइल के कमोड जो वापरते हैं वो कभी आते ही नहीं, उनको दिखते ही नहीं कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। एनीवे, ये तो एक उसका रीज़न है कि भाई इंडियन स्टाइल वाले ज़्यादा कंप्लेंट क्यों करते रहते हैं। नॉर्मल है वीर्य पेशाब के समय जाना, लैट्रिन के समय जाना, टोटली नॉर्मल है, वीर्य जाने से कुछ भी नुकसान होता नहीं है।
ये शास्त्र में थून से गिरा गया तभी कुछ नुकसान होता नहीं है। सोने में, नींद में सपन दोष हो गया, बेड ड्रीम्स हो गए, नुकसान होता नहीं है। सेक्स में भी गिरा गया तभी नुकसान होता नहीं है। वैसा ही पेशाब करने के समय या लैट्रिन करने के समय गिरा गया तो नुकसान होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।